नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने कहा है कि 8 मार्च को गांव खारिया में मुख्यमंत्री की रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि यह रैली 7 एकड़ के खुले मैदान में होगी। भाजपा JJP सहित सभी मिलकर के इस रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। बिजली मंत्री आज सिरसा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पल पल सिरसा से मर्जिक जानी की विशेष रिपोर्ट। बिजली मंत्री ने कहा कि सभी लोगों से मिलकर के उनके क्षेत्र में मांगे ली जा रही हैं और यह सभी मांगे और मांग पत्र मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री सिरसा जिला को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बिजली मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की भी सराहना करते हुए कहा है कि इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा वह अन्य बजट को लेकर के किए गए विरोध प्रदर्शन फिर भी उन्होंने चुटकी ली और कहा कि उन्होंने बजट स्तर में अध्यक्ष महोदय को कहा था कि यह लोग 10 साल राज करने के बाद भी आज भी यह सोच रहे हैं कि उनका आज भी राज है। अध्यक्ष महोदय ने विशेष रूप से नियमों का हवाला दिया और कहा था कि इस स्तर में प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को इस क्षेत्र की मांगों के बारे में विस्तृत से रिपोर्ट सौंपती है और यह सब उन पर फैसला करेंगे। अब ये उन्हें देखना होगा कि कौन कौन सी मांगें पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि खारिया में नए कॉलेज को खोलना एक व्यवहारिक ही नहीं है, इसलिए रानिया में जो पहले से कॉलेज है उसको मॉडर्न तरीके से और कॉलेज का विस्तार भी किया जाएगा। बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश की ढाणियों व गाँव की स्ट्रीट लाइट सोलर के माध्यम से दी जाएंगी। एक साल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसानों को खेतों में खाली तथा खालों की रीमॉडलिंग 20 साल की बजाय 15 साल किए जाने पर सरकार विचार कर रही है ताकि खालों की अच्छे से मरम्मत की जा सके। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। होली पे हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं यहाँ बहुत बड़ी भीड़ और रैली करके। हम सब लोगों के प्रयास से इंडिपेंडेंट बन के गया हूँ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इज्जत दी है, सारा को दिया, तो हमारे सबके मिल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो एक ही है। लीगल मैटर्स हैं कि मैं इनकी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता, ना ये चाहने पे कर सकते, वो अलग बात है। पर हम एक सरकार है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लीड रहे हैं, हमारे JJP भी है, हम इंडिपेंडेंट भी साथ उनके साथ हैं, तो हमारा सबका मिल के मुख्यमंत्री जी का चेहरा सामने है और हम सारे मिल के एक प्रयास में बढ़िया स्टेट में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में एक जो जिसे कहें नहीं ट्रांसपेरेंसी की बढ़िया सरकार दें। इस करके हम इलाके के लोगों की डिमांड भी हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत करते बने हैं। उसके बाद सिरसा में पहली बार आ रहे हैं ना, कोई मतलब शास्त्र फंक्शन था, पहले ही फंक्शन है, तो हम बहुत गर्मजोशी से बहुत बढ़िया उनका स्वागत करना चाहेंगे जी। लगता है कि बहुत अच्छी भीड़ में उनका स्वागत करेंगे और उसके लिए हमने चयन कर दिया खारिया गाँव। तो इस रैली के सिलसिले में इलाके की मांग डेवलपमेंट के बाद देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने आप जी का बजट भी बहुत बढ़ाया है, बड़े खुले मन से पैसा दे रहे हैं, तो जो सरकार शहर की इलाके की जो लंबित मांगे हैं उन्हें पूरी कराएंगे। मैं जहाँ भी गया हूँ ना, उससे पहले कुछ जगह जैसे अहमदाबाद में चला गया था, आपका डब्बा भी गया था, कारण जो लोगों ने मांगे दी है वो तो हमने रखी है कि वो सारी मिल के और भी आ जाएंगी, सब मांगे उनके सामने रखेंगे, बस आपके सामने स्टेज पर तब यही सब अनाउंस करेंगे। और तभी CM साहब ने देखिए हमारा मांगना है, हर आदमी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से मांगता है, ये तो अमेरिका में भी चलता है, जहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही तो भी चलता है, पर हम उनसे मांगेंगे कितना करें हमें पता है कि अच्छे दिल से खुले मन से वो करेंगे। सरसा के लिए उनका बहुत बहुत प्यार है। CM साहब मंच में 1 बजे आ जाएंगे जी और 12 बजे एकदम खचाखच भरा होगा मैदान। 7 एकड़ का मैदान है और उसके साथ 14 एकड़ जो है मंच में 1 बजे आ जाएंगे जी और 12 बजे एकदम खचाखच भरा होगा मैदान। 7 एकड़ का मैदान है और उसके साथ 14 एकड़ जो है वो मंडी की खाली जगह है। 7 एकड़ के बाहर भी 4 दीवारी है, तो उसमें जितनी भीड़ आएगी शाम ना लग के खुला। हमने कई करा पहले सिरसा का सोचा रानिया का, उसमें ये था कि शेड जो बने हैं ना जी, खुला मैदान इतना था नहीं, तो शेड के नीचे भीड़ जो है बाहर ऊपर से फोटो लगने कई बार देख लिया तो बाकी पूरी भीड़ जो है उसका एक्सपोजर नहीं होता देखता। हम चाह रहे हैं कि हरियाणा का फॉर्म अगले दिन आप लोगों के
सुर्खियों में दिखे कि इतनी बड़ी भीड़ है, तो उसका पूरा खुला प्रदर्शन तो नहीं हो सकता था, इस करके खारिया कर लिया। वो रानिया में रहेगा, रानिया वाले को उसको और मॉडर्नाइज हो जाएगा, ऑडिटोरियम बन जाएगा, हॉस्टल लड़कियों का बन जाएगा, उसी में ही हम जो है ना और फर्दर एक्सपेंशन कर लेंगे। उस दिन जितनी चीजें तैयार हैं उनका उद्घाटन हम सीएम साहब का, तो फाउंडेशन है उद्घाटन बहुत पहले ही रखे जाएंगे। परसों दिया है जो जितना मेरे पे था, अब उसमें उन्होंने उसकी फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखनी है, कितना हो सकता है उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे, वो उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं या डीसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे सारा फीडबैक लेके ही वो करेंगे ना जी। सब कैलकुलेटेड होता है, ये तो है नहीं कि अनाउंस कर दिया, इमोशनल और सेंटिमेंट से तो होगा नहीं, उसका फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन देखिए। तो सर किसानों की मांग जो खाद उसकी रिमॉडलिंग का टाइम कम करने का था, तो क्या वो मांग चल रहा है कि 20 साल से 15 साल कर दिया जाए, लोगों के खाल टूटे हुए हैं, और उनका जो मोदी जी का एक नारा है कि हम किसानों की आय दुगनी करें, उसमें ये बहुत प्रायोरिटी में है, सरकार इसे सीरियसली कंसीडर कर रही है। बढ़िया मेरे काम मिल सकता है, बहुत बढ़िया, हर आप देखिए किसान को, खेती वाले को, इसको व्यापारी को, इंडस्ट्री को, हर एक को दिया जा रहा है, मामला उठ रहा है, बहुत बढ़िया हरियाणा में कहीं कोई कमी आई नहीं। कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, धरना भी दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, अंदर नहीं जाने दिया गया, इस तरह की बात भी की गई कुछ डिमांड। देखिए वो स्पीकर साहब ने दिखा दिया था, मैं भी हाउस में था, कि नियम है कि आप वो जो है ना जिन्हें आप क्या कहें जो हाथ में तख्तियाँ उठा के चलते हैं वो विधानसभा के उस परिस्थिति में प्ले कार्ड कहते हैं, तो वो आप लेके नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि ये रूल देख लो, उसके बाद सारे बैंक में से वापस चले गए। मैं कहने लगा जी माफ करना स्पीकर साहब, ये आदत पड़ी है, 10 साल ये इधर राज में थे, अब ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे सरकार हमारी हो, अब इन्हें ये काम भी करना पड़ रहा है। कि अगर आप उसमें सब्सिडी भी है जो बड़ी लगेगी, उसमें सब्सिडी का रेट भी बढ़ जाएगा, तो लोगों की डिमांड पे है कि कितनी डालियाँ इकट्ठी हैं वो उसी हिसाब से लगेगी। डालियों के लिए है, खेतों के लिए भी है, सब के लिए, हर एक के लिए, गाँव में गलियों के लिए, गाँव के लिए, गलियों के लिए जाना है, मेन गलियों के लिए। बाकी उसमें नहीं, वैसे आपका जो है ना ये न्यू रिनेबल जैसे सौर ऊर्जा कहते हैं, डालियों में भी हम लगा रहे हैं कि उसमें 3 बल्ब और 1 चार्जर और 1 पंखा, वो आपका टोटल जो किसान को पड़ेगी 7,500 रुपये, उनके अपने 1-2 लाख 2 लाख में खर्च करना पड़ेगा, बाकी 12,000 की उसमें सब्सिडी है।